यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के वे सभी लोग जो टीके की पहली खुराक ले चुके हैं, वे निर्धारित समय पर दूसरी खुराक लें। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1,84,00,000 से अधिक कोविड वैक्सीन अब भी उपलब्ध है। करीब 51,00,000 वैक्सीन अगले 3 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 74.7% मरीज 10 राज्यों से हैं। ये राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और हरियाणा। कोविड सर्वाइवर पूर्णिमा सिंह चौहान ने हमें बताया कि कैसे उन्होंने कोरोना को मात दी। मेरे पास डॉक्टर्स के कॉल आए तो हम लोगों ने एक प्रॉपर डॉक्टर्स की गाइडलाइन को हम लोगों ने फॉलो किया है और उसके बाद हम ठीक हुए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि कोरोना से लोग घबराए नहीं, उसका सामना करें। कोरोना कर्फ्यू पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से आने और जाने वाली बसों के संचालन पर रोक की अवधि बढ़ा दी है। सचिव राज्य परिवहन प्राधिकारी और अपर परिवहन आयुक्त ने बताया कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य से आने और जाने वाले बस परिवहन संचालन को पूर्व में 15 मई तक स्थगित किया गया था। अब इन राज्यों से आने और जाने वाले बस परिवहन संचालन को स्थगित करने की अवधि बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है। इनमें छतरपुर और सतना जिले में 23 मई तक, गुना, बड़वानी, खरगोन, हरदा, सिंगरौली और छिंदवाड़ा में 24 मई, नरसिंहपुर में 25 मई तक, डिंडौरी 27 मई, देवास 30 मई, रायसेन, विदिशा, रीवा, आगर मालवा और उमरिया जिले में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, उज्जैन संभागों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं जबलपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, पन्ना, दमोह और टीकमगढ़ में भी बारिश की संभावना जताई गई है। गुजरात के तटीय क्षेत्र में 17 और 18 मई को तूफान आने की चेतावनी को देखते हुए रेल प्रशासन ने कुछ गाड़ियों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस स्पेशल वाया इटारसी भोपाल आज और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस स्पेशल 18 मई को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कोविड-19 की स्थिति और वैक्सीनेशन के संबंध में 4 राज्यों, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण रोधी महत्वपूर्ण औषधि रेमडेसिविर की आपूर्ति बढ़ा दी है। उज्जैन जिले में पंजीकृत 92,856 किसानों से 15 मई तक कुल 6,77,554 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समवैचारिक संगठन सेवा भारती के सहयोग से अशोकनगर में 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई गई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात तौकते से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।
अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।